हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ इटालियन पोस्ट एग विथ बंगाली ट्विस्ट, जिसके लिए हमें चाहिए 3 अंडे, 2 मीडियम साइज के चॉप्ड टोमेटोज, 1 बड़ा प्याज चॉप्ड, 5 या 6 आप हरी मिर्च ले सकते हैं चॉप्ड, एंड कोरिएंडर। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होगा मस्टर्ड पेस्ट जो हमने बनाया है, और इसे हम 2 चम्मच यूज़ करेंगे, 2 बड़े चम्मच। मस्टर्ड पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए मस्टर्ड येलो एंड मस्टर्ड ब्राउन, दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेंगे, 2 चम्मच येलो वाला और 2 चम्मच ब्राउन वाला, 1 टेबलस्पून हल्दी, 4-5 मिर्च हरी मिर्च, 10-12 लहसुन और 1 छोटी सी कली अदरक की, और 1 नींबू का रस। अब हम इसे पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड करके मिक्सर में। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है ग्राइंड करके, और मैंने इसमें अभी 1 नींबू का रस और नमक डाला है, 1 टेबलस्पून नमक डाल सकते हैं आप, और 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे हम इसमें। सरसों का तेल बेसिकली हम लोग इसे प्रिजर्व करने के लिए डालते हैं, और इस मसाले को आप और भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप फिश करी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, फ़िश फ्राई करने में यूज़ कर सकते हैं। हम आज इससे ऑमलेट बनाएंगे, इटालियन ऑमलेट विथ बंगाली ट्विस्ट। पैन को हीट करेंगे सबसे पहले, और जब हीट हो जाए तो इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप इसमें ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इस केस में रिफाइंड ऑयल यूज कर रहा हूँ। अब पैन हीट हो चुका है, और सबसे पहले हम इसमें प्याज जो चॉप्ड किया हुआ है वो डालेंगे। प्याज डालने के बाद टमाटर डालेंगे, और जो भी हमारे पास चॉप किया हुआ था हरा धनिया हरी मिर्च वो हम डाल देंगे इसमें। अब इसको हम थोड़ी देर तक भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, ये 2 से 3 मिनट तक इसे आप मीडियम आंच पे भून लें, और इसमें नमक डालेंगे अब हम। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालोगे, मैं इसमें 1 टीस्पून यूज कर रहा हूँ। अब हमारा प्याज और टमाटर फ्राई हो चुका है, ज़्यादा नहीं भूने, पकाना नहीं है हमें, इधर थोड़ा कच्चा ही रखना है, नहीं तो ये घुल जाएगा, टमाटर जो है घुल जाएगा। अब 2-3 मिनट भुनने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मस्टर्ड पेस्ट जो हमने पहले बनाया था वो डालेंगे, और मैं इसमें 2 बड़े चम्मच डाल रहा हूँ मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे भून लेंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद ये मसाला हमारा तैयार हो गया है, और इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें।
पानी डालने के बाद आप एक बार सीजनिंग टेस्ट कर लें, नमक सही है या नहीं है। पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम आंच पे पकने दें और जब उबाल आ जाए तब इसमें अंडे पोच कर दें। पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और अब आप देख सकते हैं कि उबाल आ गया है इसमें, और जब उबाल आ जाए तो हम इसमें अंडे पोच करेंगे। अब आप देख सकते हैं अंडा हमारा पोच हो चुका है। आप या तो इसे लिड लगाकर 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल धीमे आंच पे या फिर बंद भी कर सकते हैं और छोड़ दें इसको, या आप इसके मसाले को इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इससे ये अच्छी तरह से ऊपर से ही पक जाएगा। हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है बिल्कुल, हमारा पोच होगा एक। मैं अब इसको लिड लगाकर 4 से 5 मिनट तक छोड़ दूंगा धीमे आंच पे, बिल्कुल धीमे आंच पे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पोच एक बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसे सर्व करेंगे। मैं इसे ग्रिल ब्रेड के साथ सर्व कर रहा हूँ। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप बन के साथ खा सकते हैं। अब हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है और अब हम लोग इसका लुत्फ उठा सकते हैं। बेसिकली ये एक फ्यूजन था इटालियन और बंगाली डिश का। इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट यूज किया है जो एक बंगाली ट्विस्ट देता है, और जो पोच किया है वो इटालियन तरीका है। तो होपफुली आपको ये पसंद आएगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर कोई कमेंट हो, कोई भी सजेशन देना हो तो ऑल सजेशन आर वेलकम। सो प्लीज़ इन्जॉय द डिश।